और आपके माँ बाप ने गारंटी के साथ ये बतलाया भी है कि बेटा मैं इन राहों पे गया हूँ, बड़ा सीधी बड़ी सीधी राह है, सीधे चले जाओ मदीना पहुंच जाओगे। अच्छा जना, अब आप निकले उस राह पर, थोड़ी दूर गए थे कि एक उसको क्या कहते हैं, तरीक फरई जो होता है उसको क्या कहते हैं, मखरज वाले जो एग्जिट के होते हैं दाएं बाएं, वहां भी एक आदमी खड़ा हुआ है, कहाँ जाना है, मदीना जा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ इस राह पे आ जाओ। आपने वो राह नहीं देखी, अनजाने हैं। दूसरा थोड़ी दूर गए, आ जाओ आ जाओ कहाँ जाना है, मदीना जा, इस राह पे आ जाओ, ये मदीना जाता है। तीसरा आ जाओ इस राह पे जाओ, ये मदीना जाता है। बतलाओ आप अपनी गाड़ी मोड़ लोगे उस तरफ, जिन राहों को आप नहीं जानते चले जाओगे, जिन राहों का अंजाम आपको पता नहीं है, जिन राह जो राहें मदीना जा रही हैं या कूफा बसरा जा रही हैं कुछ पता नहीं है आपको, इराक जा रही हैं कि देवबंद जा रही हैं कि बरेली जा, कुछ पता नहीं है आपको, क्या आप चले जाओगे उन राहों पर? आप तो कहोगे ना, सीधी राह हमें बताई गई है कि ये मदीना पहुंचने वाली है, खलास। अरे नहीं, तुम कहां इस समंदर में गोता लगा सकते हो, ये बड़ी बिल्कुल शॉर्टकट है पहुंच जाए। नहीं भाई, हमको ये शॉर्टकट नहीं चाहिए, हमें तो यही सीधी राह चलनी है कि नहीं है। और उनसे पूछो, ये बतलाओ ये जो सीधी राह मैं जा रहा हूं ये मदीना जा रही है कि नहीं? वो कहेंगे हाँ ये तो जा रही है मदीना, लेकिन ये भी जा रही है। यानी आप जिस राह पर खड़े हैं उस राह को वो गलत, लेकिन आप उस राह को जरूर गलत कह सकते हैं। क्यों? इसलिए कि उस राह का कोई अतः पता नहीं। तो ये आज यही एक मिसाल है। तो जो तरीका जो राह मालूम है मशहूर है, बतलाओ मुसलमानों ईमानदारी से उन राहों पर चलोगे या उन राहों पर चलोगे जो अनजानी हैं, जिनका कोई पता लता नहीं है कहां जा रही है? बताओ। जब दुनिया में तुम एक मिसाल के जरिए मैंने समझाया, और यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया है, इसलिए यही कुरान और सुन्नत की राह है। मैंने बताया, मैंने किसी शख्सियत की तरफ आपको नहीं कि चलो इब्ने बाज के तरीके पर बुलाऊं, अहमद बिन हम्बल के तरीके पर बुलाऊं, इमाम मालिक के तरीके, ना, बल्कि कुरान और सुन्नत की राह पर तुम्हें हम दावत देते हैं। और ये तकलीद शख्सी जो है, याद रखो ये हराम है। किसी एक शख्स की तकलीद क्या है? ये हराम है। और ये एक ऐसी बिदात है जो उम्मत के अंदर पैदा हुई, जिसे आज उम्मत के अंदर फर्ज करार दिया जा रहा है। ये अंधी तकलीद है जो इस्लाम के अंदर बहुत बड़ा जुर्म है। इसकी पैदावार 4वीं सदी के अंदर हुई, और इससे पहले जितने भी लोग थे 400 बरस से पहले, सारे के सारे या तो रब के कुरान के ऊपर अमल करते थे या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पे अमल करते थे, वरना किसी एक इमाम की तकलीद नहीं करते थे। सब उलमा जो पैदा हो रहे थे, मुहद्दिसीन, उनसे अपने मसाइल, उनसे अपने सब लेते थे। और खुद अइमा रहमहुल्लाह के फरमुदार से आपको यह बात मालूम हो गई कि तमाम अइमा ने अपने पीछे चलने से मना किया है और हराम करार दिया है कि हमारे पीछे तुम चलो। खुद इमाम साहब ने फरमाया है कि हराम है उस बंदे के ऊपर मेरे बात के ऊपर फतवा देना जो मैंने, जिस बात की मेरी कोई दलील नहीं है। और ये तकलीद जो है, इसके बड़े खतरनाक और बड़े बुरे नताइज निकलते हैं। चुनांचे यही तकलीद है जिसने उम्मत के अंदर तफरका पैदा कर दिया, बांटा कि नहीं बांटा उम्मत को। आज कोई शाफई है, कोई हनफी है, कोई मालिकी है, कोई हम्बली है। और अगर यही इख्तलाफ होता तो चलो कोई बात नहीं, मेरे अजीजों, इन इख्तलाफात ने और इख्तलाफात पैदा कर दिए हैं। आज पहले जमाने में यह था कि कोई कलमा पढ़ लेता था, एक बदू एक आराबी नबी की खिदमत में पहुंचता, अल्लाह के नबी अरकान इस्लाम बतलाते, अरकान ईमान समझा देते, नमाज का तरीका बतला देते, वो आमन्ना व सद्दकना कह के चला जाता, वो पढ़ता जिस तरह नबी ने बतलाए हैं, अमल करता, तो वो जन्नत में जाता। लेकिन आज अगर आपने कलमा पढ़ लिया, अरकान ईमान समझ लिया, आपने तौहीद के ऊपर अमल कर लिया, सुन्नत का आप दम भरने लगे, और आप ने कहा ना मैं हनफी हूं, ना शाफई हूं, ना मालिकी हूं, ना हम्बली, कुरान सुन्नत को मानता हूं, तो आज ये कहा जाता है कि ये बददीन है, ये बददोज़खी है, ये जहन्नमी। कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? ये गैर मुकल्लिद है। ये भी मैं भी बताता हूं ये कौन है, ये दोज़खी और जहन्नमी। पहले जमाने में सिर्फ इतना ही काफी था कि तुम कलमा पढ़ लो, अल्लाह के नबी ने जो तालीम दी उसके ऊपर अमल कर लो, मुसलमान हो, जन्नत में चले जाओगे। आज अगर एक आदमी कलमा पढ़ता है तो उसके लिए यह भी जरूरी है कि वो हनफी बने या शाफई बने या मालिकी बने या हम्बली बने।
अब हनफी भी बन गया तो वो फिर क्या बने? अब हनफी भी बन गया तो सिर्फ हनफी बनने पे ही इक्तफा हमारे मुल्कों में नहीं होता, तुम कादरी बनो ये नहीं, तुम हनफी बन गए तो सिर्फ तुम्हें हनफी बनने पे नहीं बल्कि तुम या तो देवबंदी बनो, या तो बरेलवी बनो, या तबलची बनो, या तुम मौदूदी बनो, या तुम कादियानी बनो, कुछ भी बनो, जरूरी है। अगर तुम बरेलवी बने तो भी जहन्नम में देवबंदियों के नजदीक, और देवबंदी बने तो बरेलवियों के नजदीक तुम जहन्नम में। छुटकारा सोचो है कि नहीं, ये हकीकत है कि नहीं बताओ ये। और ये सब अपने आप को हक कहते हैं, और मैं कहता हूं ये सारे के सारे एक हम्माम में नंगे हैं, नंगे हैं ये सब। इस उम्मत के बदतरीन मौलवी हैं, इन्हें उलमा भी कहना इल्म की तौहीन है, ये आलिम नहीं है, ये उस उम्मत के बदतरीन उलमा हैं। कान खोल करके सुनो। फिर इसी तरह से इसकी तकलीद की जो तकलीद के जो नुकसानात हैं उनमें से एक नुकसान यह भी है कि इसी तकलीद ने उम्मत को बांटा, यहां तक कि क़िबले वाहिदा क़िबला एक खाने काबा को भी चार हिस्सों में इन्होंने तकसीम किया, किया कि नहीं किया, चार मुसल्ले बराक हैं। इसी तरह से अपने अपने इमामों की शान में इन्होंने झूठी हदीसें गढ़कर अंबिया अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तोहमत और बोहतान लगाया है। इसी तकलीद ने इमामों की मजम्मत की है और कहा गया है कि इमाम शाफई एक ऐसे जाहिल थे कि कयामत के दिन भी उनकी इस जहालत से मग़फ़िरत नहीं हो सकती। उठाओ नूरुल अनवार उसूल फ़िक्ह की किताब, मुल्ला जीवन की तहरीर जो आज भी दारुल उलूमों में उसूल फ़िक्ह के नाम से पढ़ाई जाती है, हमारे मौलवी हजरात अच्छी तरह से इसको जानते हैं। कहा गया है कि कज़हल शाफ़ई, शाफ़ई रहमतुल्लाह ने क्या कहा मालूम है? शाफ़ई रहमतुल्लाह ने कहा कि अगर मुद्दई कसम खा ले और उसके ऊपर एक गवाही दे दे तो मामला खत्म है, उसके मुआफिक फतवा दे दिया जाएगा। हनफिया कहते हैं ये शाफ़ई की, ये शाफ़ई जाहिल थे। शाफ़ई क्या थे? जाहिल थे। और इनका ये वो गुनाह है जो क़यामत के दिन भी माफ, औज़ु बिल्लाह। और कहते हैं ये फतवा इमाम शाफई ने किस बेस पर दिया है मालूम है? यही फतवा अमीर मुआविया ने भी दिया था। अस्तग़फ़िरुल्लाह, गोया उस कातिबे वो कातिबे वही भी कयामत के दिन माफ। अभी मैं बताता हूं जो हमारे ऊपर ये लगाया जाता ना कि ये गुस्ताख हैं, ये अइम्मा को नहीं मानते, ये सहाबा को गालियां देते हैं, इनको कहो हनफियों को तुम अपनी किताब उठा उठा के दे, तुमने इमामों की कितनी तजलील की है, इमामों की कितनी तोहीन की है, दूसरे इमामों की मजम्मत करना। कहते हैं फलानत रब्बिना आदार रमरिन अला मन रद्द कौला अबी हनीफा, रेत के जर्रों के बराबर लानत हो उन लोगों के ऊपर जो हमारे इमाम अबू हनीफा के किसी एक बात की तरदीद करें, रद्द करें, इनकार करें, उनके ऊपर रेत के जर्रों के बराबर लानत हो। अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये क्या है? ये इमाम मालिक, इमाम शाफई, इमाम अहमद बिन हम्बल की तौहीन नहीं है? उनको लानती समझना है या नहीं समझना? और तो और है, खुद उनके जो दो शागिरद थे इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद शैबानी, उन्होंने 1/3 मसले में अपने इमाम की मुखालफत की है। और कहते हैं इमाम साहब का यह कहना, मिसाल के तौर पर आपको बताऊं, मेरी अपनी आंखों ने देखा है। क्या कहते हैं कि शामी के अंदर फतवा निकल किया गया, यह हनफी मसलक की बड़ी मोतबर किताब है, मैं मिसाल दे रहा हूं, मैं आगे नहीं जा रहा हूं। कहते हैं कि अगर कोई शख्स अपनी मां, अपनी बहन, अपनी खाला, अपनी दादी, अपनी बेटी से जानबूझ करके निकाह करके उसके साथ हम बिस्तरी करे, फला हद अलैह इंद अबी हनीफा, तो अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक कोई हद नहीं है। शामी फतावा की किताब में बता रहा हूं यह, उठाओ। और वहीं इमाम अहमद बिन वहीं इमाम अबू यूसुफ मुखालफत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ना ये बात गलत है इमाम साहब कि हम इस बात से मुखालफत करते हैं, और कहते हैं कि उसके ऊपर हद लगाई जाएगी, उसके ऊपर हद लगाई जाएगी। ये आजकल हम अब देखें कितनी खतरनाक बात है ये, क्या इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने यह बात कही होगी? लेकिन ये हनफियों ने उनके ऊपर ये बात कही है, और एक नहीं अल्लाह की कसम है सैकड़ों ऐसे ऐसे गंदे मसाइल हैं जो इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मंसूब किए गए। और कहते हैं इमाम साहब ने फरमाया अस्तग़फ़िरुल्लाह, वो एक मुत्तकी आदमी थे बेचारे, अल्लाह वाले थे, उनके ऊपर इन हनफियों ने जो जो जुर्म लगाए। बहरहाल तो ये तकलीद की
یہ مذرتیں ہیں اور اس کی نقصانات ہیں کہ لوگوں میں عداوت اور قتل و غارت گری تک ہوئی. آپ کو پتا ہے موجم البلدان کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں, اس کے اندر تو باقاعدے اور مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ باقاعدے بغداد جب یہ تاتاری تھے, تاتاریوں نے بغداد پہ حملہ کیا, بغداد پہ قبضہ کرنا چاہا تو حنفی اور شافعی میں باقاعدے مناظرہ چلتا تھا, تو اتنی دشمنی ہوئی کہ حنفیوں نے تاتاریوں سے کہا کہ تم فلانے فلانے ٹائم آؤ, بغداد کا دروازہ شافعیوں کے قتل کرنے کے لیے ہم کھول دیں گے. رات کو وہ لوگ آئے, دروازہ حنفیوں نے کھول دیا اور شافعیوں کو ان کی عورتوں کو قتل کیا گیا, ان کے بچوں کو قتل کیا گیا. یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم برحق ہیں, سب برحق ہیں, ہر دور میں ہم ایک ہی رہے ہیں, یہ ایک کی نشانی ہے, یہ ایک کی دلیل ہے, بتاؤ ذرا. اور میں نے ہارا کے ایک تقریر میں نے بتلایا تھا, میں نے بتایا نا کہ وہ پرچہ جو میرے پاس تھا وہ پرچے کا وہ جلدی میں نکل کے چلایا, لیکن انشاءاللہ کافی ہے, حوالہ میرے ذمہ ہے, میں بتا رہا ہوں یہ کہ باقاعدے اسی موجم البلدان کے اندر اس حوالے سے کہ ایک قاضی تھے دمشق کے, غالب ہاں دمشق کے قاضی, انہوں نے کہا کہ اگر میرا بس چلتا تو میں ان شافعیوں کے اوپر ٹیکس لگاتا. ٹیکس کس کے اوپر لگایا جاتا ہے؟ کافروں کے اوپر لگایا جاتا ہے, مسلمانوں کے اوپر ٹیکس. اور کہا گیا میزان شارانی کے حوالے سے, کہا گیا کہ دیکھو کسی حنفی کو اپنی بیٹی نہ دو, البتہ شافعی کو اپنی بیٹیاں نہ دو, بلکہ شافعی کی بیٹیاں لے لو, مگر حنفی کوئی اپنی بیٹی شافعی میں نہ دے. اسی طرح سے جیسے یہود و نصارہ کی بیٹیاں لینا جائز ہے لیکن اپنی بیٹیاں دینا ان کو جائز نہیں. کیا شافعی جو تھے وہ کیا تھے؟ وہ شافعی بیچارے کیا تھے؟ کافر تھے, مسلمان تھے, یہود و نصارہ تھے. پھر یہ ڈھونگ ہے کہ نہیں ہے کہ ہم چاروں ایک ہیں. اور سنو, خانہ کعبہ کو تقسیم کیا گیا کون سی صدی میں؟ نویں صدی ہجری کے اندر. فرح بن برقوق مصر کے بادشاہ نے چار مسلے بنوائے اور چار اذانیں, چار امام مقرر تھے, ایک امام اگر نماز پڑھاتا تھا تو تین بیٹھ کے منتظر رہتے تھے ایک دوسرے کے پیچھے نماز. یہ انصاف ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ اللہ جزائے خیر دے آل سعود کو رحمہم اللہ, انہوں نے آ کر کے ان سب کو ختم کر کے ایک قبلے کے پیچھے ایک امام کو کھڑا کر دیا, خلاص. اس طرح سے جلتے, اسی وجہ سے یہ جلتے ہیں حنفی کہ ارے ہمارے مسلح کو ختم کر دیے, اب ایک ہی مسلح. تو جو گند اپنی لگا کہتے ہیں سب حنبلی ہیں, حنبلی ہیں. سنو, یہاں کوئی حنبلی شافعی, سب ہیں, کوئی حنبلی شافعی مالکی حنبلی نہیں یہاں پر. صرف یہاں کے علماء بحمد اللہ قرآن و سنت کا فتویٰ دیتے ہیں, قرآن و سنت کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں. اور یہ تو تمہاری بدنصیبی ہے کہ حنفی فقہ کے اندر تو کیا میں بتاؤں, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے تو اپنے مسائل, ان کی بنیاد ہی قرآن و سنت کے اوپر رکھی الحمدللہ, الا دو چار مسائل کے. اکثریت جو مسائل امام احمد بن حنبل کے ہیں, اکثر و بیشتر بلکہ 95% وہ سب قرآن و سنت سے ماخوذ ہیں, اور تمہارے تو 5% بھی قرآن و سنت سے نہیں ہے, 95% قرآن و سنت سے الگ مسائل. یہ ماں بہن بیٹی سے نکاح کر کے وتی کرنا کہاں کا فتویٰ بتاؤ؟ قرآن نے فرمایا؟ کہتے ہیں نہیں نہیں قرآن ہمارا, ہماری فقہ قرآن و حدیث سے. کہاں یہ قرآن ہے, یہ حدیث ہے؟ اور ایک نہیں, یہ تو سینکڑوں مثالیں ہیں, میں کیا بتاؤں آپ کو. بلکہ سنو, یہ تقلید شخصی تمام قسم کی گمراہیت کی بنیاد ہے اور اساس ہے, اور یہ صرف خواہش پرستی کی بنا پر یہ تقلید کی جاتی ہے. اور یہ ایک مثال دی جاتی ہے, ہمارے ہاں ایک مولوی ہے, مثال دیتا ہے کہ تم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو, ڈاکٹر سے دوا لیتے ہو, تو تمہیں ڈاکٹر نے دوا دے دی, بات ختم. کیا تم ڈاکٹری کی کتاب کھول کر پڑھ کر تم شفا یاب ہو سکتے ہو؟ تو ائمہ ڈاکٹر ہیں, ائمہ کیا ہیں؟ ڈاکٹر ہیں. تم ان ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہو تو تم انہوں نے جو بتا دیا بات ختم, اسے علاج کرو. اب تم خود ہی بیٹھ کے کرو گے تو پھر کیسے ہوگا؟ پھر تو کہاں کا کہاں کون سی دوائی تم کو تو پتہ ہی نہیں. یہ مثال دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں؟ تو ان سے کہو بیٹا یہ ائمہ جو ہے نا یہ ڈاکٹر نہیں ہیں, یہ دوا فروش ہیں, عطار ہیں, دوا بیچنے والے لوگ ہیں. ڈاکٹر تو صرف اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, ڈاکٹر وہ ہیں, ڈاکٹر وہ امت کی بیماریوں کے علاج کے لیے بھیجے گئے تھے. جو انہوں نے دوا دی ہے یہ ائمہ ان دواؤں کو بانٹنے والے ہیں, ہے کہ نہیں؟
देखें किस तरह से गुमराह किया जाता है उम्मत को। आम लोगों के जहनों में ऐसी ऐसी मिसालें दी जाती हैं। एक मौलवी ने कहा कि मियां, हमें एक शहर है, शहर में चार दरवाजे हैं, तो जो कोई भी किसी भी दरवाजे से आए तो शहरी में तो दाखिल होगा। कोई मशरिक से आ रहा है वो भी शहर में आ रहा है, कोई मगरिब से आ रहा है वो भी शहर में आ रहा है, कोई शिमाल से आ रहा है वो भी शहर में आ रहा है, कोई जुनूब से दाखिल हो रहा है, शहरी में तो आ रहे हैं। ऐसे ही इस्लाम एक शहर की तरह है ना, तो कोई शाफई से आ रहा है वो भी इस्लाम में आ रहा है, कोई हम्बलियत से आ रहा है वो भी इस्लाम में आ रहा है, कोई हनफियत से आ रहा है वो भी इस्लाम में आ रहा है, कोई मालिकियत से आ रहा है वो भी इस्लाम में आ रहा है। तो फिर क्यों लफड़ा करते हो, चारों दरवाजे जिससे लोग दाखिल हो रहे हैं वो इस्लाम ही में तो अंदर आ रहे हैं, है ना। है तो बड़ी अच्छी मिसाल है कि नहीं। लेकिन इस मौलवी से कहो कि फट्टे मियाँ, तुम तो एकदम बिल्कुल फट्टू फकीर फटीचर हो, तुम्हें तो पता ही नहीं है दीन इस्लाम का। बेटा ये बतलाओ कि ये जो चारों दरवाजे जो तुम इस्लाम के नाम पर खोले हुए हो, ये कब खोले गए? अल्लाह के नबी ने खोले हैं, ये तो 400 बरस के बाद खोले गए। ये बतलाओ कि नबी के जमाने में भी इस्लाम में दाखिले के लिए कोई दरवाजा था या नहीं था? बोलो, था कि नहीं था? बोलो, आखिर नबी के जमाने में, सहाबा के जमाने में किस दरवाजे से लोग इस्लाम में दाखिल होते थे? एक दरवाजा था, वो रब का कुरान था और मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमान था। इनसे कहो तुम वो सदर दरवाजा हमें बतलाओ, ये चोर दरवाजे ना बतलाओ जो कुरान और सुन्नत से हमें दूर करने वाले हैं। ये तुमने 400 बरस के बाद ये चोर दरवाजे खोले हुए हैं, मुझे उस डॉक्टर का पता बतलाओ जो डॉक्टर उम्मत के लिए इलाज के लिए भेजा गया था। युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम, उन्हें पाको साफ करता है वो डॉक्टर, उन्हें तालीम देता है, उस डॉक्टर को बतलाओ। ये दवा फरोश, और जाहिर है डॉक्टर में और दवा बेचने वालों में फर्क है कि नहीं फर्क है भाई? डॉक्टर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन दवा फरोश हकीम साहब से तो आप तो पूछ सकते ना कि हकीम साहब ये जो नुस्खा आपने इसमें इस्तेमाल किया है सही भी है या कोई घपला पला किया है, पूछ सकते हैं कि नहीं पूछ सकते? आप जब सैदलिया में जाते हो मेडिकल स्टोर में और कहते हो जनाब हमें ये दवा दे दीजिए, तो बाकायदे देख पूछते भी हो कि नहीं पूछते, भैया ये वर्सली है या तहकीक करते हो कि नहीं करते हो? पढ़ते हो, तहकीक करते हो, ये वही दवा है या नहीं है, किस कंपनी की है, डुप्लीकेट है? खासतौर से हिंदुस्तान में तो अब तो माशाल्लाह ओरिजिनल का और डुप्लीकेट का पता ही नहीं चलता है। दवाइयाँ भी खूब दिल्ली के अंदर सप्लाई हो रही, बन रही हैं, और हमारे ये और असली के नाम पर डुप्लीकेट सप्लाई हो रहा है। तो ये हिंदुस्तानी पाकिस्तानी गूंगे मौलवी जो लोग हैं इनसे पूछो गूंगो, अबे कुछ तो बताओ इस पे नबी की मोहर लगी है कि नहीं लगी है? दवा फरोश ये ईमान फरोश हैं, ये दवा नहीं बेचते हैं, ये ईमान और इस्लाम को बेचते हैं, अल्लाह की कसम अल्लाह। डॉक्टर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं कि नहीं है? हकीमुल उम्मत कौन है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्होंने अपने अपने लोगों को हकीमुल उम्मत दिया हुआ है। सुनो, तो ये तकलीद के बुरे नतीज। और मैं आपको एक बात बताऊं, ईरान किसके जमाने में फतेह हुआ? हजरत उमर फारूक आजम के जमाने में हुआ ना, दौरे फारूकी में। और कितने सहाबा की ताबईन की जाने गई, बड़ी मुश्किलों के बाद ईरान फतेह हुआ, और 600 बरस तक ईरान पर अहलुस्सुन्ना वल जमा की हुकूमत रही। तारीख बताता हूं मैं तुम्हें ईरान की। ईरान में ये शीए कहां से उपज पड़े, इनकी हुकूमत कहां से आई, कैसे आई, ये भी सुनो, बड़ी अजीबो गरीब दास्तान है। ये तकलीद का अजाब और इसी तकलीद के बला ने इस शियों की इस हुकूमत को लाया है। आखिरी बादशाह मोहम्मद गयासुद्दीन जो था, ये अहले सुन्नत वल जमात का अब बादशाह था गयासुद्दीन मोहम्मद, ये मंगोली नस्ल का आदमी था जो ईरान के ऊपर अहले सुन्नत वल जमात की तरफ से हुकूमत कर रहा था। किसी वजह से बीवी को इसने गुस्से में तलाक दे दिया। जब तलाक दे दिया तो फिर अब इसने मसला पूछा कि भाई मैंने तो तीन तलाक दे दिए, तलाक तलाक तलाक, अब क्या करें? अब ये बुलाया मौलवियों को, मुकल्लिदों को, वही मसला बतलाओ। कहने लगे अब तो हो गई तीन तलाक, अब हलाला करवाना पड़ेगा। कहने लगा हलाला क्या होता, अब एक सांड किराए पे लो रात भर के लिए, हाँ, और बाकायदे अपनी बीवी उसके बिस्तरे पर सुलाओ, वो सांड रात भर खेले और फिर वो सुबह तुम्हें तलाक दे दे तुम्हारी बीवी को, तो खलास। ये बहुत गुस्सा हुआ, बोले ये तो हमारे मलका की तौहीन है, ये हैं, ये कौन सा तरीका है? चुनांचे उसने कहा भाई उस ईरान में शिये भी कुछ थे उस दौर में,
उस उनका आलिम था एक इब्ने मजहर नाम है या मतहर नाम है, क्या नाम है उसका, बहरहाल इस नाशरी मौलवी था वो, उसको बुलाया, भाई तुम्हारा तुम्हारी शरीयत में क्या है। उसने कहा कि जनाब आली आपने तलाक कैसे दी, बोले मैंने कहा तलाक तलाक तलाक। उसने कहा कुरान में तीन तलाक बैक वक्त देना जायज नहीं है, ये गैर शरई तलाक है, इसलिए उसके ऊपर तलाक ही नहीं पड़ी। उसने कहा है? कहा मुनाजरा, कहा मुनाजरा करूंगा मैं इन मुकल्लिदों से। बैठा मुनाजरे के लिए, सारे टाए टाए फिश हो गए, सारे मुकल्लिद पीछे हट गए, जवाब नहीं दे पाए उस चीज का। उसने दबाया, उसने कहा फिर तो यही सबसे अच्छा दीन है, जो बीवी भी हमें मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। उसने कहा छोड़ो इन मौलवियों को, वो शिया हो गया, वो खुद शिया हुआ और अहले सुन्नत जमात की मसाजिद के अंदर शिया आइम्मा मुकर्रर किए गए और इस नाशरी खुतबे और इस नाशरी अकायद के तौर पर बाकायदे तालीमात जारी हो गई। छठी सदी हिजरी के अंदर 600 बरस तक हुकूमत हुआ, इस तरह से शियों की हुकूमत ईरान के ऊपर आई। ये इस तकलीद की क्या थी कि बरकत थी, तकलीद की क्या है बरकत है। अस्तग़फ़िरुल्लाह। टोक्यो जापान का वाकया सुना है आपने? टोक्यो जापान के अंदर कुछ लोग मुसलमान होना चाहते थे, बोले कि हम मुसलमान होना चाहते हैं, लेकिन जब हम मुसलमान हो गए, होना चाह रहे हो गए, तो हमारे पास कुछ मुसलमानों की जमात आई रूस से और यहां से वहां से। उन्होंने कहा तुम मुसलमान हो गए तो अब या तो शाफी बनो, या तो मालिकी बनो, या तो हम्बली बनो, या तो हनफी बनो। चारों किस्म के मौलवी आना शुरू हुए। भैया तुम क्या हो? भाई हमारे यहां भी यही है भाई, आप गाड़ी में सफर कर रहे हैं, ट्रेन में सफर कर रहे हैं, जरा दाढ़ी उड़ी है, सलाम दुआ हुआ, भाई साहब आपका नाम क्या है? अब्दुल रहमान है, मिसाल के तौर अब्दुल रहमान है। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, तो मुसलमान तो हैं कोई शक। थोड़ी देर के बाद वो पूछेगा जमात उमात में निकले, अगर जमाती होगा तो ऐसे ही पूछेगा। हाँ अब अगर वो खर्रा कोई बरेलवी निकला, मैं नहीं 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 कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इसे पूछ रहा हूँ, देखिए कैसे टटोलते हैं टटोलते हैं, वल्लाह बता रहा हूँ। आपने कह दिया कि आप मुसलमान हैं, इतना ही काफी नहीं होता ना, आपको पूरा भाई डाटा बताना पड़ता, कौन से मुसलमान हो, कौन से मुसलमान हो भाई, कौन से मुसलमान, हनफी हो कि शाफी हो, बाकायदे पूछते हैं कि नहीं पूछते। ऐसे ही वो बेचारे मुसलमान हुए, जज़ाकअल्लाह, बेचारे मुसलमान हुए, तो उनके पास भी इसी तरह के लोग आए, कहने लगे हनफी बन जाओ, उन्हें कहा शाफी बन जाओ, उसने कहा मालिकी बन जाओ, उसने कहा हम्बली बन जाओ। उन्होंने कहा मैं हम लोग कहाँ जाएं, हम तो अपने मजहब की तफर्रुक को छोड़कर एक इस्लाम को मानने आए थे, ये तो हमें कई कई इस्लामों की दावत दे रहे हैं। बिलाखिर उन लोगों ने बताया कि मायूस होकर के वो लोग फिर उसी कुफर की हालत में चले। यह है तकलीद की बरकत। यह क्या है? हाँ नहीं बरकत कह लो, मौलवी चिल्लाता है बरकत है। कहते हैं इख्तलाफ उम्मती रहमा, मेरी उम्मत का इख्तलाफ, अल्लाह के नबी ने फरमाया रहमत है, रहमत ही रहमत है, मेरी उम्मत का इख्तलाफ क्या है, रहमत है। जबकि अल्लाह के नबी की हदीस नहीं है, झूठी है, लेकिन बड़े बड़े मुफ्ती लिखते हैं अपने तकलीद छुपाने के लिए कि अल्लाह के नबी की फरमाया कि इख्तलाफ रहमत है। मैंने कहा बेटा तो फिर उम्मत ही के अंदर क्यों बांट रहे हो तुम, मियां बीवी भी ये रहमत ले लो, हैं मियां बीवी भी रहमत ले लो, बे तलाक दे दे इख्तलाफ कर, बाप बेटे भी इख्तलाफ में पड़ जाओ, महल्ले महल्ले में इख्तलाफ बांटो, शहर शहर में इख्तलाफ बांटो, मुल्क मुल्क में इख्तलाफ करवाओ। अल्लाह तो फरमाता है ये लानत है और तुम कहते हो कि ये रहमत है। इस तरह से उम्मत को गुमराह किया जाता है। इस तरह मेरे अजीज, और अगर मैं तारीख बतलाऊं तो आपको हैरत होगी कि मैंने बताया शादी ब्याह सब कुछ ये सब, और अइमा के सबसे बड़े गुस्ताख ये हनफी लोग हैं हमारे मुल्क के, इतने शदीद हैं, इतने शदीद हैं, अल्लाह अकबर। ये अहनाफ ये आपस में भी मुख्तलिफ हैं और अइमा को भी गालियां देते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह, और ये ताने हमें देते हैं कि तुम गुस्ताख हो। हम इमामों की गुस्ताखी नहीं करते, अस्तग़फ़िरुल्लाह, है ना, और इनसे पूछो तुम भी तो गुस्ताख हो, अबे तू भी तो एक ही इमाम को मान रहा है ना, तीन का तो इनकार कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उनका गुस्ताख हुआ कि नहीं गुस्ताख। तुम एक को मानकर तीन को गुस्ताख, तीन का इनकार करो, है कि नहीं, तो यह गुस्ताखी ना हो, यह गुस्ताखी ना हो। और हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानकर, इन चारों को भी मानकर हम सबसे बड़े गुस्ताख बन जाएं, जबकि इन बेचारों ने ये कहा ही नहीं कि मुझे मानो या मेरे पीछे चलो या मेरी तकलीद करो। बहरहाल मेरे अजीज,
किस तरह से हम एक नतीजे पर यह पहुंचे कि ये हमें आज जो ताने देते हैं कि तुम गैर मुकल्लिद हो, तुम गैर मुकल्लिद हो, इनसे कहो, और कई दफ़ा मैं ये बतला चुका हूँ कि तुम गैर मुकल्लिद का लफ्ज़ इस्तेमाल करके हमारी तौहीन न करो। अगर रात है तो उसको रात कहो, उसको गैर दिन का नाम मत दो। दिन है तो उसको दिन कहो, गैर रात न कहो। उस काला है कोई तो उसको काला कहो, गैर गोरा न कहो। कोई गोरा है तो उसको गोरा कहो, गैर काला नहीं होता, या तो गोरा होता है या तो काला होता है। लेकिन ये बदअकली है ना, हमें भी वही, क्या हम मुकल्लिद हैं? तुम गैर मुकल्लिद हो, कह दो गैर मुकल्लिद नहीं, मुकल्लिद का उल्टा मुत्तबे होता है। क्या होता है? नबी की इत्तिबा करने वाला। और इत्तिबा करने वाला वो होता है जो रोशनी में अपने सफर को करता है, कुरान और सुन्नत की तारीकियों में नहीं भटकता वो। तो हमें मुत्तबे कहो, हमें मुकल्लिद, गैर मुकल्लिद के ताने मत दो। और इसी तरह से फिरका बंदी, जमात साजी, ये तमाम सब चीज़ें जो उम्मत के अंदर हैं, ये एक घटिया अमल हैं, इससे तौबा करना चाहिए। और अब आइए एक आखिरी बात मैं कह करके अपनी बात ख़त्म करूँ, नमूना दिखलाऊँ कि हमारे, हमने क्यों कहा ये झूठे हैं। इसलिए कि जिस तरह यहूदो नसारा ने अल्लाह की नाजिल की हुई किताब के अंदर तहरीफ की, यानी कलमे को बदल दिया, यहाँ का बजाय यहाँ का लफ्ज़ उठाकर कहीं और कर दिया, कहीं का कहीं और कर दिया, इसी तरह से इन हनफी मौलवियों ने हमारे मुल्कों में किया। आओ मैं सबूत बताऊँ, ये मेरे हाथ में किताब है शेख बकर बिन अब्दुल्ला अबू जैद हफ़िज़हुल्लाह की, जो यहाँ के आला उलमा कमेटी के रुकन हैं। इनकी किताब तहरीफ़ुन नसूस बिन माख़ज़ अहलिल हवाए फ़िलिस्तिब्दाल, इस किताब के हवाले से बताऊँ, ये लिखते हैं कि बहुत सारे यहूदियों नसरानियों की तहरीफ़ात बता करके फिर ये कहते हैं कि इसी तरह से इस दौर में कुछ मौलवियों ने कुरान करीम के अंदर तहरीफ़ करने करी, और वो मौलवी हिंदुस्तानी थे। कौन थे? देखें किस तरह ये बदनाम कर रहे हैं मुल्ले हमारे यहाँ के गूंगे। हिंदुस्तानी मौलवी थे, क्या नाम था उनका? उनका नाम था, अल्लाह आपको भला करे, महमूदुल हसन गंगोही, जिनको हनफी लोग शेखुल अरब वल अजम और शेखुल हिंद कहते हैं। उन्होंने क्या किया? तकलीद के, अपने इमाम की तकलीद के साबित करने के लिए उन्होंने कुरान को बदला। कैसे? अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अमर मिनकुम फइन तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाह वर रसूल, के ईमान वालों अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, और उलिल अमर जो हुक्मरान हैं उनकी इताअत करो। फइन तनाज़अतुम फी शैइन, बस अगर तुम किसी मामले में झगड़ो, फरुद्दूहु इलल्लाह वर रसूल, तो उस झगड़े को अल्लाह रसूल की तरफ लौटा दो। इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाह वल यौमिल आखर, अगर तुम अल्लाह और यौम आखरत पर ईमान लाते हो तो। ठीक है, कहते हैं कि देखो उनकी, इन्होंने किस तरह से इसको तहरीफ की। ये कहते हैं कि ये आयत करीमा इनकी किताब ईदाहुल अदिल्ला, कौन सी किताब? ईदाहुल अदिल्ला। उस ईदाहुल अदिल्ला के अंदर इन्होंने क्या किया मालूम है? इन्होंने कहा कि फइन तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर्रसूल, है ना, इतना है ना, फलिल फरुद्दूहु इलल्लाहि वर्रसूल इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाह। ये महमूदुल महमूदुल हसन, जिनको हनफी हैं देवबंद के, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा फइन तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर्रसूल व उलिल अमर मिनकुम व उलिल अमर औज़ु बिल्लाह। और 10 दफा यह किताब छपी है, कितनी? इसकी 10 बरस तक तबात होती रही, मौलवियों ने इसको हजफ, देवबंद के मौलवियों ने, बल्कि इसको बरकरार रखा, बल्कि एक मौलवी ने इसके ऊपर हाशिया भी लगाया। क्या हाशिया लगाया? कहा देखो इससे तो तकलीद साबित हो रही है। अब जाहिलों को तो बेचारों को पता नहीं है, वो तो कुरान पढ़ते हैं। इसने कुरान अपनी ईज़ाहुल अदिल्ला, जो इनकी किताब थी, उस किताब के हवाले से इन्होंने लिखा कि उस किताब में इन्होंने उसको क्या कहते हैं, उसको छापा, और उलिल अमर मिनकुम इन्होंने बढ़ाया कि अगर तुम किसी मामले में इख्तलाफ करो तो अल्लाह की तरफ पहुंचाओ, रसूल की तरफ पहुंचाओ, और तुम में जो उलमा हैं उन तक पहुंचाओ, और जो कहें उसको मान लो। अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये हैं। और ये कोई मामूली बात नहीं है, ये कोई कह दे बहुत मामूली, ये यहूदी सिफत लोग हैं। ये कौन लोग हैं?
ये यहूद और नसारा के नक्शे कदम पर चलने वाले लोग हैं। और सुनो, और इसी तरह से अहादीस के अंदर ये मौलाना शिबली नोमानी को जानते हो कि नहीं जानते हो? आजमगढ़ के बहुत बड़े, और बल्कि इनका लकब दिया गया है क्या, शेख शिबली नोमानी को, कि इनको कहा जाता है हुज्जतुल मिल्ला वद्दीन, हुज्जतुल मिल्लत वद्दीन है ये, इनको शमशुल उलमा का खिताब दिया जाता है। इन्होंने किताब लिखी, वो किताब कौन सी है, वो किताब थी और उर्दू के अंदर सीरतुन नुमान वो किताब थी। उसके सफा नंबर 161 के अंदर ये हजरत लिखते हैं कुरान की आयत में कैसे तहरीफ की, चूंकि हनफिया के यहां ईमान ले आओ, अमल करो ना करो कोई हर्ज, अमल ईमान में दाखिल नहीं है, बल्कि वो कहते हैं ईमान एक अलग चीज है और अमल एक अलग चीज है। इसको अलग करने के लिए, चूंकि हनफी मजहब का उसूल है ये, इसको उसूल बताने के लिए उन्होंने कुरान के अंदर कैसे तहरीफ की, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि वमन युमिन बिल्लाहि व यअमल सालिहन युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अलअनहार खालिदीन फीहा अबदा, है ना। तो इन्होंने क्या किया, इसको इन्होंने किया कि वमन युमिन बिल्लाहि फयअमल सालिहन, वाव के जगह पर इन्होंने क्या किया, फा बढ़ाया, फा। ये ना सोचो कि एक लफ्ज के बढ़ाने से, एक हर्फ के बढ़ाने से कुछ गड़बड़ नहीं होती है। इन्होंने अपने मजहब के मुताबिक फे बढ़ाया, वाव से तो यह है कि ईमान भी लाओ और अमल भी करो, लेकिन फा से यह है कि कोई ईमान ले आए तो काफी है इतना ही, अमल ईमान के अंदर दाखिल, ये फा लगा करके उसको अलग कर दिया अमल को। इस तरह से इन्होंने तहरीफ की है, और हदीस के अंदर जो तहरीफात की हैं मुस्नद अबू अमाना के अंदर, और वो तो मारूफ मशहूर है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। इन्हीं लोगों के बारे में अल्लाह ने फरमाया था यक्तुबून अल-किताब बिअयदीहिम सुम्मा यकूलून हाज़ा मिन इंदिल्लाह, ये अपने हाथों से किताबें लिखते हैं और कहते हैं ये अल्लाह रसूल की किताब है, लो पढ़ो। अल्लाह ने फरमाया फवैलुल लहुम मिम्मा कतबू, वैल है जो ये लिखते हैं और इस लिखने के बदले जो ये कमाई करते हैं उन सब के लिए हिलाकत है। अल्लाह ने फरमाया युहर्रिफून अल-कलिमा अम्मा वादिही, ये यहूद और नसारा हैं जो कलमात को बदल देते हैं, तहरीफ करते हैं। तो मेरे अजीजों, अर्ज करने का मतलब यह है, मेरी गुफ्तगू का निचोड़ और लुबे लुबाब यह है कि तकलीद एक बहुत बड़ी बला है, ये बिदअत है, हर गुमराही की बुनियाद है, अंधी तकलीद हराम है इस्लाम के अंदर। और किसी इमाम ने यह नहीं कहा कि मेरी तकलीद करो, सारे गर्दनों से लोगों की गुलामी के कलादे और जंजीरें निकाल कर फेंक कर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी अपनी गर्दनों में डालो और किसी के पीछे न चलो, चलना है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चलो। तकलीद यह है, क्या तकलीद लाजिम है? नहीं, तकलीद हराम है। तकलीद क्या है? हराम है। तकलीद दलालत है, तकलीद गुमराही है, तकलीद बहुत बड़ी हिलाकत है, तकलीद अंधी तकलीद ये यहूदो नसारा की रविश है, अंधी तकलीद ये कुफार और मुशरिकीन का तरीका है, हराम है इस्लाम के अंदर। ये वाजे हुआ, तकलीद लाजिम नहीं बल्कि इत्तेबा और इताअत ये लाजिम और फर्ज है। وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللہ ہم سب کو نبی کی اتباع اور فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں اپنے نبی کی محبت اور اطاعت بھر دے کوٹ کوٹ کر کے اور ہر قسم کی تقلید باطلہ سے اللہ تعالی ہم سب کو نجات عطا فرمائے آمین یا رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سوالات تو بہت ہیں لیکن میں چند سوالات اس کو دے کر کے बात को ख़त्म करूंगा। आप लोग कितने सवालात करते हैं ये बात समझ में नहीं आती। इसका मतलब यह है कि अभी तक वो तमाम झाड़ झंखाड़ मौजूद हैं, है ना। औज़ु बिल्लाह, इतना तो ना करें यार। बिदअत हसना क्या है? कोई बिदअत हसना नहीं होती, कोई पैखाना खुशबूदार नहीं होता, याद है, कोई पैखाना, बस ये है इसका सवाल। हाँ, अल्लाह आपकी उम्र में बरकत, हक पर डटे रहने की तौफीक, आमीन। हमारे यहाँ के उलमा बरेली भी हजरात कलमे तौहीद का माना इस तरह निकालते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद माबूद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे रसूल हैं, चूँकि हैं का मतलब हाजिर हाजिर में शुमार करते हैं और लोगों को इस कलमे की आखिरी हैं पर हाजिर व नाजिर होने का सबूत देते हैं। उनसे कहो कि आप बताओ कि आपके अब्बा अम्मा मर गए कि नहीं, वो कहेंगे मर गए। तो उनसे पूछो कि वो मुसलमान हैं कि नहीं हैं, आपके दादा मुसलमान हैं कि नहीं, मुसलमान हैं कि नहीं, कि थे, यही जवाब उनको दे दो, यही जवाब। तो जब मर गए वो और हैं तो इसका मतलब वो भी हाजिर हैं।
है नहीं भाई, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब यह है कि कयामत की सुबह तक अब कोई रिसालत उतर नहीं सकती। आपकी रिसालत कयामत की सुबह तक है, अब कोई रसूल बीच में आ नहीं सकता। और हाजिर और नाजिर के ऊपर तो मैंने जवाब दिए हैं। इससे कहो बदबख्त, जब हुजूर हाजिर और नाजिर है तो फिर तुम मुसल्ले पे क्यों खड़ा होता है? नबी जब हाजिर है क्यों नमाज पढ़ाता है कि नहीं? मैं इससे पहले तबलीगी जमात से ताल्लुक रखता था, मगर जब से आप तकरीर सुनी है हम इससे बाज आ गए और हम जमात इस्लामी के दर्स में शामिल होना चाहते हैं। यह क्या मेरे लिए दुरुस्त होगा? यह तो ऐसा ही होगा जैसे आसमान से गिरे खजूर पटकने वाली बात। जमात इस्लामी वाले भी तो हनफी हैं भाई, चूचू का मुरब्बा बने हुए हैं। इसमें शीए भी हैं, रावजी भी हैं, मुसलमान इसमें तो बिदती भी हैं। प्रोफेसर अब्दुल गफूर आज भी कब्र मज़ार के ऊपर चादर चढ़ाते हैं। काजी हुसैन भी जा जा करके वहीं न जाने क्या क्या गुमराहियाँ फैला रहे हैं। तो ये कौन से, ये सियासी लोग हैं भाई ये। अगर आपको सियासत में आना है तो कोई बात नहीं, आप पीपल्स पार्टी ले लो, आप बीजेपी में दाखिल हो जाओ, आप कांग्रेस पार्टी ले लो, जैसे पार्टियां हैं ऐसी ये सियासी पार्टियां हैं। इनको तख्त चाहिए, हुकूमत चाहिए, बेचारे इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। अब इसको इस्लाम को इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि मुसलमान साथ दें, ताकि जनाब आगे बढ़ें, बस यही है और कुछ नहीं। इनकी हकीकत ये सब ही पे हनफी ही हैं ये। सफ़र में नमाज कसर होती है, मगर सफ़र से क्या मुराद है? आज तक मुतमईन बख्श जवाब नहीं मिला, बराए मेहरबानी मुतमईन बख्श जवाब दें। कुरान सफ़र से वो मुराद है जो आम तौर पर जिसको सफ़र कहा जाता है। ये नहीं कि आप यहाँ से गाड़ी पे सवार हुए और मुजाहमिया या आप किसी कुर्ब जवार की बस्ती में गए पिकनिक मनाने दिन भर के लिए, तो कहें हम सफ़र पे निकल गए हैं 100 किलोमीटर दूर। इसको सफ़र नहीं कहते। सफ़र जिसको आम तौर पर सफ़र कहा जाता है कि हाँ भाई ये सफ़र में गए, समझ रहे? तो इसकी आम तौर पर सफ़र में जब आप निकलें, उर्फ आम में जो सफ़र कहा जाता है, अब जब आप निकलें तो उसकी तकरीबन 80 किलोमीटर या 82 किलोमीटर उलमा ने हद मुकर्रर की है कि इससे आगे निकलें तो आप नमाज कसर कर सकते हैं, जबकि वो उर्फ आम में सफ़र कहा जाता हो। यह है इसकी दलील। आप अपनी मोच बारी क्यों नहीं करते, या इतनी ही मोच रखना चाहिए? अल्लाह आप कुछ जायक दे, है ना? मोच छोटी रखनी चाहिए, दाढ़ी बड़ी रखनी चाहिए, ठीक है? तो दाढ़ी के मुकाबले में अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे होंगे मोच तो बड़ी है ना, मोच तो छोटी है ना। हैं हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की जो ये मोछें थी ना, ये यहाँ की ये काफ़ी लंबी लंबी थी, दाढ़ी से मिली हुई थी। जब गुस्से में आते थे तो फड़कती थी। हाँ, मोमिन और मुसलमान में क्या फ़र्क है? हर मोमिन मुसलमान है, लेकिन हर मुसलमान मोमिन ये नहीं कहा जा सकता है। क्या हर मुसलमान जन्नत में जाएगा या हर मोमिन जन्नत में जाएगा? इंशाल्लाह हर मोमिन जन्नत में जाएगा, हर मुसलमान की कोई गारंटी नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल जब क़यामत के नज़दीक दुनिया में होगा तो आप अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तकलीद करेंगे या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? हनफी लोग तो यही कहते हैं कि वो इमाम अबू हनीफा की तकलीद करेंगे। बाकी हमारा यह अकीदा है कि वो नबी हैं और नबी अपने भाई ही की सुनता है, गैरों की माफ़ कीजिएगा, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही का कानून चलाएंगे और हनफी लोगों को लात मारेंगे इंशाल्लाह। सऊदी आने के बाद आप जिसे उलमा से मालूम हुआ और सिराते मुस्तकीम की राह हासिल हुई, हम जैसे लोग जब हिंदो पाक जाएं तो शिर्क बिदात को निकाल कर तौहीद की दावत किस तरह दें? मेहरबानी करके कोई तजवीज़ करें। आप पहले खुद अमल करें तौहीद पर और शिर्क से बचें, और उसके बाद में धीरे धीरे अपने घर वालों को, अपने महलों को फिर इस तरह से दावत दें, और इंशाअल्लाह ताला यही तजवीज़ है मेरी। मस्जिद में निकाह पढ़ना जायज़ है या नहीं? बेशक जायज़ है। क्या शर्मगाह को धोना हाथ लगाया जाए इत्तेफाकन या किसी उज्र की वजह से तो जायज़ है या नहीं? शर्मगाह को दहना हाथ, अगर कोई उज्र है तो लगा सकते हैं, बगैर उज्र के दहना हाथ नहीं लगाना चाहिए, जायज़ नहीं, अल्लाह के नबी ने मना फरमाया। लोग बुजुर्गों की ताज़िया करते हैं और वसीले की उम्मीद रखते हैं उनसे, और यह आयत अलाइना औलिया ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून की दलील बनाते हैं। बराह करम इस आयत की तशरीह करें। आप मेरी तकरीर है औलियाउर्रहमान औलियाउश्शैतान, ये जालियात सनाइया में मिलती है, आप ले लें, इंशाल्लाह पूरी तफसीलात इस ताल्लुक़ से आपको मिल जाएगी। हम एक आटे की चक्की चलाते हैं, इंडिया में 5 किलो गंदम पीसने के 2 रुपये लेने के बाद 100 ग्राम आटा हर 5 किलो गंदम पर कटौती काटते हैं, क्या ये जायज़ है? याद रहे कि अगर हर 5 किलो पर 100 ग्राम आटा कटौती बतौर वसूल न गया तो बाज़ दफ़ा अपने पास से भी देना पड़ सकता है, यानी आटा जितना है चक्की में। अगर ये चीज़ इसलिए है कि आप मतलब कुछ आटे चक्की में फंस जाते हैं
तो दूसरों को कम हो जाते हैं, फिर तीसरों को कम हो जाते हैं। तो बहरहाल वो आपको खाना वो तो हराम है, आपके लिए खाना वो हराम है, अलबत्ता वो कस्टमर का माल है तो कस्टमर में जाने दीजिए। शरई लिहाज से क्या आपका नाम मेराज रब्बानी दुरुस्त है? इंशाल्लाह दुरुस्त है। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, जब से अहले हदीस में शरीक हुआ हूँ दिमाग की नसें खुलती हुई महसूस होती हैं। सवाल यह है कि बदर की लड़ाई के बाद वापसी पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग में मरने वाले काफिरों से मुखातब होकर जो बात कही थी उस पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बेजान जिस्मों से ख़िताब करने की वजह पूछी थी तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मुर्दा कुफ़ार सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु से ज़्यादा नहीं सुन रहे हैं, बरह करम इस बात को इल्म की रोशनी में समझाएँ। हमारे कुछ दोस्त ये कहते हैं जब मुर्दा कुफ़ार सुन सकते हैं तो मोमिन मुर्दा क्यों नहीं सुन सकते? इसलिए नहीं सुन सकते कि मोमिन मुर्दा कुफ़ार की तरह नहीं होता है, नहीं समझे। अब जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पत्थर पे लाठी मार कर चश्मे निकाल सकते हैं तो क्या आप भी निकाल सकते हैं? बोलो। तो वो नबी की बात है, वो नबी की बात है, आप नबी नहीं हो सकते। उस वक्त वो नबी का मौजजा है, उस वक्त उनकी जिल्लत और रुसवाई से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जलील और रुसवा हुए हैं, मेरी बात अल्लाह इस वक्त इनको सुना रहा है, तुमसे ज्यादा ये सुन रहे हैं, ये समझे। और हर जगह उनसे कहिए कि कुफ्र ना शामिल करें। इन्नका ला तुस्मिउल मौता, अल्लाह ने फरमाया कि ऐ नबी तुम मुर्दों को नहीं सुना सकते, अल्लाह जिसको चाहता है सुनाता है। जनाब आपने हनफियों को शिया से बदतर बतलाया है, लेकिन जिस तरह शिया सुन्नियों के साथ मारकाट करते हैं हनफी तो दूसरे मजाहब वालों के साथ नहीं करते, ये आप नहीं जानते हैं। जिस तरह मैंने झूठ में कहा झूठ, और दूसरी बात यह है कि जिस तरह हनफी आपस में मार चाट करते हैं आप आपस में देख लें। बम्बई के अंदर गुज़श्ता साल की बात है, तबलीगी निसाब वालों के इज्तिमा के बाद दो खून हुए हैं इनके यहाँ और दो खून हुए हैं देवबंदियों के यहाँ, हुए हैं कि नहीं हुए हैं? और अभी 5-6-8 कादियानियों को पाकिस्तान में मारा गया कि नहीं मारा गया? वो भी तो हनफी हैं यार, वो भी हनफी हैं। हनफी मैं हनफी जानता हूं बस, अब मैं ये कहना छोड़ दिया ये दोबंदी की बरेलवी हनफी बस, एक हमाम में सब नंगे हनफी बस हनफी, ये कहना गलत है ये देवबंदी या बरेली। भाई उसका खानदान है, उस खानदान में अब्दुल्ला भी नाम है, अब्दुलरहमान भी नाम है, तो खानदान का नाम लो, नाम से तुम्हें क्या लेना है? बादी कदम हनफी इनका अकीदा यहूदो नसारा से भी बदतर है, ये मैं साबित किया हूं और किसी भी जगह अल्लाह के फजल करम से साबित कर सकता हूं। सवाल यह है कि गालिबन कल आपने बोला था कि औरत को बालों का जूड़ा बनाने में कोई हर्ज नहीं, बराह करम इस मसले पर दोबारा रोशनी डालें क्योंकि मुझे शक शुभा है कि औरतों को जूड़ा बनाने की ममानियत है। नहीं, आप जिस ममानियत की बात कर रहे हैं हजरत, वो ममानियत वह है कि वह कोहान की तरह बांधेंगी और ऊंट की तरह घूमेंगी मार्केटों में, जैसे आज हमारी माए बहनें घूम रही हैं जूड़े बना बना करके, ये हराम है। और अगर कोई औरत अपने घर में जूड़ा बांध रही है तो आप उसे भी हराम कहें, फिर औरत का वजूद ही हराम कर दें एक दिन, नहीं तो वो जूड़ा वो अलग है। अगर मस्जिद पहुंचने पर इमाम जमात की आखिरी रकात की तशहुद में है तो जमात में मिलना चाहिए या इंतजार करके दूसरी जमात बना दिया जाए? मिल जाइए इंशाल्लाह, आपको जमात का सवाब मिल जाएगा। क्या हज करने के बाद शिर्क करने वाला बाद में इल्म मालूम हुआ कि ये तो मैंने शिर्क अकबर कर लिया, फिर उसने तौबा कर ली, अब उसको हज फिर से करना पड़ेगा या वही हज काफ़ी है? कुरान हदीस की रोशनी में बताएं। जज़ाकअल्लाह। देखें, शिर्क करने के बाद में जितने भी गुनाह, ईमान लाने के बाद में जितने भी गुनाह बंदा किया रहता है ना, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर देता है। फिर जो उन्होंने ईमान जब ले आया और उन्होंने नेकी की थी तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उस हज को भी कबूल फरमा लेगा इंशाल्लाह। क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला को जब जन्नत में अल्लाह ताला जब जन्नत में दाखिल करने का हुक्म करेगा तो मोमिन से एक जन्नत में जाएगा या हज़ार में से एक जाएगा? इस हदीस को वाज़ह तौर पर बयान फरमाएं। 100 में से, ये दोनों रिवायतें हैं,
100 में से 99 जहन्नम में और एक जन्नत में, और एक रवायत में है कि 999 ये जहन्नम में और एक जन्नत में, दोनों रिवायतें। इसका नाम भी बतलाएं, इस हदीस भी हैं उसका नाम भी बतलाएं, और ये दलील सिर्फ मुसलमानों के लिए है या इसमें काफिर भी, ये मुसलमानों के लिए और काफिर इसमें सब हैं। मुसलमान मुशरिक के जनाजे में शामिल होना चाहिए या नहीं? सुना है कि जनाजे में शामिल तो हो जाए मगर नमाज जनाजा नहीं पढ़े, तो फिर जनाजे में शामिल होने का मतलब क्या है आपका? सिर्फ यूं ही नाम के लिए जाएं? तो यकीनन अगर ऐसी कोई बात है, खतरा है, डर है, तो आप जाएं लेकिन उनके साथ नमाज जनाजा उसके ऊपर ना पढ़ें, या खड़े हो जाएं। तो खड़े होने से क्या है, वहां कहां रुकू सजदा करना पड़ता है, खड़े रहें, हाथ हिलाते रहें, समझ रहे? अगर डर है तो, वरना नहीं जाना चाहिए। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह एक टांग पर पूरा कुरान पढ़े, ये लिखा है, और किस किताब में लिखा है? अल्लाह, अब आप किताब खुलवाओगे मुझसे? हारा में आपके दो दर्स और होने वाले हैं जो आने वाले बुध और जुमेरात को, हमें सुनकर बहुत खुशी हुई। मेरा मशवरा है कि हारा की दूसरी छोटी मस्जिद में ऐलान करवाएं या पोस्टर लगवाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मालूम हो जाए। अभी तक वहां ऐलान नहीं लगाए, ये हमारे इकबाल साहब को पकड़िए, इनको जरा लथेड़िए, ये बहुत सुस्त आदमी है इस सिलसिले में। क्यों नहीं लगवाया भैया आपने ऐलान? हम दो तीन दिन से, जब से ये हमें मिली है प्रोग्राम, जब से मैं चिल्ला रहा हूँ वहां ऐलान लगवाओ, वहां ऐलान लगवाओ, लेकिन ये लोग हैं सुस्त, खा खा के सो जाते हैं बस। अल्लाह हिदायत अता फरमाए। लगवाई भाई ऐलान, गलत बात है, ये तो जुल्म है। ये आपने उसी दिन कहा मैं लगवा रहा हूं और आज तक आपने नहीं लगवाया। ये इमाम हनीफा एक टांग के ऊपर पढ़ा करते थे, ये मेरे पास किताब है भाई, अबुल हक्कानी साहब ने, वो कोई कौन है, अब्दुल कय्यूम हक्कानी पाकिस्तान के, उन्होंने ये किताब लिखी है। ये लाओ भाई, कहाँ है वो किताब, खोल के जरा दो। इमाम अबू हनीफा हयात अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, ये किताब है इमाम आज़म हजरत अबू हनीफा के हैरत अंगेज़ वाक़ियात। ये मेरे बच्चों ने इसका टाइटल फाड़ दिया है। अच्छा, ये किताब जो है ये है, देखिए इसमें लिखा है, इसमें ये लिखा हुआ है, बहुत सारी बातें हैं। मैंने वहाँ दिखाया था कि नहीं दिखाया था? वहाँ तो दिखाया था भाई, तो फिर हारा में दिखाया था, तो फिर यहाँ पर क्यों आप पूछ रहे हैं इस बात को? बहरहाल बहरहाल ये किताब है और इसके अंदर वो ये अभी हारा में दर्स होंगे वहां पर। हाँ बहरहाल मैंने दिखाया, इसी में है ये किताब है मेरे पास, और ये आप बाद में हमसे ले लीजिए, देख लीजिए। अब यहाँ जल्दी जल्दी ये सवालात भी हैं। मैं आपका बहुत ही ममनू मशकूर हूँ जो आप यहाँ आकर दीन की अच्छी अच्छी बातें बताएं और हिदायत का रास्ता। मैं शिर्क और बिदअत में मुबतला था लेकिन अब अल्लाह के फजल करम से आपके जरिए कुरान सुन्नत पर अमल करने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अल्लाह ताला से दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको कुरान सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। रबानी साहब, मैं पीछे कुछ सवालात करने की जुरात कर रहा हूँ, सवालों का कुरान सुन्नत की रोशनी में जवाब देकर फिर एक बार शुक्रिया का मौका दें। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आमीन। मैं तो समझा कि आप बस इसी के ऊपर बस करेंगे। हमारे मुल्कों में से शिर्क और बिदअत को मिटाने का सही और आसान तरीका क्या है? आप भी मशगूल हो जाएं, हमारे इस मिशन में कंधे से कंधा मिला के शरीक हो जाएं और अपने हद तक आप कोशिश करें, इंशाल्लाह यही कोशिश और मेहनत जारी रहेगी तो मिट जाएगा इंशाल्लाह। एक मुशरिक और बिदअती को तौहीद की दावत देने का आसान रास्ता क्या है? एक तो दुआ करें और दूसरे उसको समझाएं, और अगर मारे तो मार खाएं, ये सबसे आसान रास्ता है। हमारे मुल्कों में कई मकामात पर लिखा होता है या अल्लाह या मोहम्मद, क्या ऐसा लिखना दुरुस्त है? और ये लफ्ज़ या की क्या हकीकत है? या माने ए अल्लाह मेरी मदद फरमा, या मोहम्मद के माने ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी मदद फरमाइए। तो या अल्लाह कहना तो दुरुस्त है लेकिन या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना दुरुस्त? शहर गुलबर्गा में जो ख्वाजा बंदा गैसुद्दीन मुकीम है उनका हर साल उर्स होता है और संदल चरागा वगैरह होते हैं। कई लोग दूर मकामात से उनकी ज्यारत करने के लिए आते हैं। उनकी सवाने हयात पर थोड़ी रोशनी डालिए। उनकी सवाने हयात देखनी है तो सूफी और ब्राह्मण, या सूफी और शैतान, ये दो कस्टमरी इसमें देखो। ये तो परले दर्जे का शिया था। ये निकाह के बाद दो रकात नमाज पढ़ने का सही तरीका क्या है? निकाह के बाद दो रकात नमाज तो मैं नहीं जानता हूँ, पढ़ा जाता है। अलबत्त शादी की जो पहली रात होती है उसमें बीवी के पास जाने, कमरे में पहुँचे, वहाँ दो रकात पढ़ें। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस में वित्र पढ़ने का सही तरीका बयान फरमाएं। वित्र पढ़ने का मैंने बता चुका हूँ, मैं इससे आप लोग उसको मालूम कर लें। अगर कोई ग्यारहवीं या नियाज वगैरह कर ले और ज़बरदस्ती दावत पर बुलाए तो उस दावत में शिरकत करना जायज़ है या नहीं? नहीं जायज़ है। आप कह दें कि मैं रोज़े से हूँ,